नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज ही फिर से एक पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू करने से बताना चाहूंगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर लाइक करेंगे आपका एक लाइक, ये वीडियो को दो और भी ज्यादा रीच बढ़ा सकता है, बाकी लोगों तक पहुंचा सकता है। आपका लाइक फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता आपके लाइफ में, तो लाइक कर दीजिए। थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा मुझे, वीडियो का रीच भी बढ़ जाएगा तो थोड़ा व्यूज भी बढ़ जाएगा, अच्छा होगा मेरे लिए और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और भी ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। क्योंकि ये सब पोर्टफोलियो रिव्यू का लोग चार्जेस लेते हैं, मैं फ्री में करता हूँ, कोई 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 चार्जेस नहीं लगता, कोई कोई भी मेरा कोर्स नहीं बेचता मैं कुछ भी, ठीक है, कोई मेरा प्रीमियम सर्विस नहीं है, मैं फ्री में करता हूँ सब चीज। तो गाइज अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आज का रिव्यू कर लेते हैं। कुमार मंजीत जी का कमेंट आया है पोर्टफोलियो का, तो ये बोल रहा है कि डेली वेट करता हूँ पोर्टफोलियो का, मेरा भी पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। लीजिए, रिव्यू कर रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो, बताया कुछ ठीक है या नहीं, चेंज कर रहे हैं और कुछ ऐड करेंगे नहीं। ये स्टार्ट किया है पोर्टफोलियो फरवरी 24 से, तो एक महीना से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है इनका पोर्टफोलियो स्टार्ट किए हुए। तो इनका पहला एक इनका पांच फंड्स है इनके पोर्टफोलियो में, फाइव फंड्स है। ठीक है, पहला है क्वांट स्मॉल कैप, या जहाँ पे 5,000 रुपये लगा रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप, जहाँ पे 5,000 रुपये लगा रहे हैं। आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड, 2,000 रुपये लगा रहे हैं। ये नेक्स्ट मंथ स्टार्ट, ये नेक्स्ट मंथ स्टार्ट शायद ये दोनों का है। ठीक है, तो चार फोर्थ फंड है एचडीएफसी मिड कैप, 5,000 रुपये। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, 2,000 रुपये फॉर 1 एंड 2 ईयर्स। इसमें थोड़ा डाउट है, बताऊंगा क्यों। स्टार्टिंग का चाहे से चार SIP 15-20 साल के लिए बेहतरीन है। तो एक से चार मतलब ये चार फंड का SIP 15-20 साल के लिए देख रहे हैं और पांचवे के लिए 1-2 साल। तो इसी में डाउट है मुझे, क्यों क्यों डाउट है बताऊंगा। तो इनका जो पोर्टफोलियो है मेनली ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का है। ठीक है, तो गाइस बढ़ने से पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में बोलता भी हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देते हो वो चीज। तो पहला एक अपना टाइम होराइजन बता दो यार। टाइम होराइजन नहीं बताओगे तो कैसे मैं समझ में आएगा कि आपका कितने साल के लिए है। ये भाई साहब बताए हैं वो ठीक है, टाइम होराइजन बताया है। सेकेंड है आपका नेचर क्या है, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या फिर मॉडरेट इन्वेस्टर हो या फिर एकदम ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर एकदम नए नए हो, पूरा कोई आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, जस्ट स्टार्ट किए, मतलब अभी अभी से स्टार्ट किए हो। ठीक है, तो ये बता दीजिए। तो ये भाई साहब स्टार्ट ही किया है, नया इन्वेस्टर है, लेकिन शायद आपका जो फंड पोर्टफोलियो देख के लग रहा है आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा चंक ऑफ मनी आपका इसमें लगा हुआ है, स्मॉल कैप्स में लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपके वीडियो का आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 5,000 रुपये स्मॉल कैप में है, तो टोटल स्मॉल कैप में कितना आ गया मेरा, 5,000, 10,000, 10,000 रुपये स्मॉल कैप में आ गया, जो कि ठीक है। आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और 15 से 20 साल तक का आपका होराइजन है, तो 10,000 रुपये SIP स्मॉल कैप में परफेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आदित्य बिरला पीएसयू फंड, तो ये देखिए एक चीज, पीएसयू जो फंड है, पीएसयू जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पीएसयू सेक्टर में बहुत ज्यादा रैली दे चुका है, सारे जो स्टॉक्स है पीएसयू का, ठीक है, सारे भाग चुके हैं, रैली बहुत ही ज्यादा रैली दे चुके हैं। पीएसयू एक टाइम था, मान लीजिए ये टाइमलाइन है, ये 2007 है, 2014 है, 2018 है, 2020 है और ये आज का डेट है 2024। ठीक है, एक टाइम था जब मान मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, यहां से फिर राइज हुआ। ये मान लीजिए यहाँ पर जो पैसा लगाया है साथ में 2007 में, 2007 से लेकर 2000 ये 10 होगा या 14 होगा, यहाँ पे मान लीजिए 14 है। ठीक है, 7 साल, 7 ईयर्स में कुछ पैसा नहीं बना इनका, 0 0%। जो यहाँ पे पैसा लगा है यहाँ से यहाँ तक, 2014 से 2019 तक, 2019, 5 साल में कोई पैसा नहीं बना है। पीएसयू फंड्स में, पीएसयू स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल रहता है, मतलब जो जो लोग भी ऊपर में इतना हाई रैली में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, उनको डिप के बाद नेक्स्ट अप जब आएगा वो देखने के लिए बहुत टाइम रुकना पड़ेगा आपको, ये बात मान के ही फिर ही लगाइए आप। मेरे पास भी ये वाला फंड है, आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, जो कि लास्ट 1 ईयर में
करीबन 100% रिटर्न दे चुका है। सारे जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो ये रिटर्न्स देख के ही आ रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न स्टेबिलाइज नहीं है। जो यहाँ पे पैसा लगाया था उन लोगों से पूछिए कि वो लोग कैसे भाग रहे हैं यहाँ से, इस पीएसयू फंड से, पीएसयू स्टॉक से। तो एक ही बात समझ के लगाइए पैसा, कि आपको अगर नेगेटिव रिटर्न्स दिखे या फिर बहुत दिन तक जीरो रिटर्न्स मिल सकता है, 0% रिटर्न्स, कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, आप एग्जिट नहीं करेंगे फंड, क्योंकि रैली देगा लेकिन बहुत टाइम लगता है। यहाँ से मान लीजिए 2019 या 2020 से या 22 से, 2000 लगभग दो दो साल हुआ है पीएसयू स्टॉक्स का रैली देते हुए स्टार्ट किया, 2022 से स्टार्ट हुआ है शायद, ठीक है, 21 या 22 से। तो 21 या 22 ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ही 100% दिख रहा है आपका। तो ये वाला चीज समझ में रखिए कि एग्जिट नहीं करना है। अगर आप 0% रिटर्न 7-8 साल तक देख सकते हो अपने फंड में तो ही रखिए, नहीं तो एग्जिट कर जाइए अभी टाइम रहते हुए, ठीक है। ये मेरा बात था। तो नेक्स्ट फंड के बारे में बात कर लेते हैं, एचडीएफसी मिड कैप बेहतरीन फंड है। तो ये तीन तो अच्छा फंड है, इसका एक क्लॉज है जो मैंने अभी बताया। एचडीएफसी फंड बहुत ही अच्छा फंड है, जो कि मेरे मामी के पोर्टफोलियो में भी है, ये वाला फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये क्वांट तो मेरे पोर्टफोलियो में है। निपॉन का एक बात समझ में रखिए कि एयूएम साइज बहुत ही बढ़ चुका है निपॉन का, ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है, एयूएम करीबन 48,000 करोड़ है इसका अभी, तो बहुत ही ज्यादा। इनका ज्यादा एयूएम बढ़ जाता है, इनका चर्निंग रेट में दिक्कत होता है। इनका चर्निंग मतलब एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप, ठीक है, दो कंपनीज है। यहाँ से मान लीजिए ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे कंपनी, यहाँ से निकल के यहाँ पे जो पैसा लगाएगा तो उतना अवेलेबल पैसा नहीं रहता, क्योंकि इनका मार्केट कैप, एमसी मार्केट कैप बहुत कम रहता है। ज्यादा शेयर अवेलेबल होता ही नहीं है स्मॉल कैप कंपनीज में कि इतना ज्यादा चार्निंग कर पाए। इसीलिए निपॉन स्मॉल कैप अभी रिसेंटली रिसेंटली ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्मेंस में जा रहा है निपॉन स्मॉल कैप। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये मान लीजिए 6 महीना एक साल तक अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लगातार एक अच्छा कंपाउंडर है निपॉन स्मॉल कैप। इट्स अ वेरी गुड प्रूवन फंड, ठीक है। आपको अगर विश्वास है यहाँ पर इस पे तो आप लगा सकते हैं पैसा। मेरे पास ये निपॉन नहीं है बाय द वे। एचडीएफसी मिड कैप अच्छा है। और लास्ट में जो बात कर रहा था मैं, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो प्लान है एकदम गलत है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो आप लोग आप रखने वाले हैं 1 या 2 साल के लिए, ये एक सेक्टोरल फंड है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है एक सेक्टोरल फंड, ठीक है। सेक्टोरल फंड कैसा जाता है, ये मान लीजिए चार्ट है, सेक्टोरल फंड ऊपर गया फिर एकदम नीचे नेगेटिव भी जाएगा फिर ऊपर जाएगा, साइक्लिकल बोलता है इसको, साइक्लिकल बिजनेस फंड बोलता है इसको। ऐसे करते करते जाता है, ठीक है। मान लीजिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर है, आप पैसा लगाया है यहाँ पर, 2 साल तक आपका होराइजन बोल रहा है, 2 साल में नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 1 to 2 years हो गया, क्या करेंगे आप, कैपिटल निकल जाएगा आपका, कोई रिटर्न भी नहीं बना, कैपिटल भी नेगेटिव में आ गया, तो क्या करेंगे। एक एकदम गलत प्लान है। साइक्लिकल फंड मतलब कोई भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड ऐसे ही मुंह उठा के मत लीजिए कोई भी, अगर सेक्टर को समझ में आए या फिर आपका हॉराइजन अच्छा हो तो ही लीजिए इसको। हॉराइजन मतलब 10+ years, 10+ years अगर आपका हॉराइजन है तो ही आप सेक्टोरल फंड में लगाइए पैसा। लाइक दिस कि मान लीजिए यहाँ पर लगा है, नीचे गया तो भी मैं रुक सकता हूँ, फिर ऊपर गया अभी रुक सकता हूँ, फिर नीचे गया फिर भी रुक सकता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे सेम लाइन पे नहीं रहेगा, ये ऐसे करके ऊपर ही जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लगाए आप, अब यहाँ पे 2 साल हो गया, यहाँ पे रुक रुक चुके हैं, क्या करेंगे फिर। तो सेक्टर फंड में 1-2 साल के लिए नहीं लगाना चाहिए, आपको 1-2 साल के लिए लगाना ही है तो इंडेक्स फंड में लगाइए या फिर कोई फ्लेक्सी कैप में लगाइए। फ्लेक्सी कैप का पैसा बढ़ेगा रेट कट के बाद, रेट कट आ रहा है इंडिया में जून जून में शायद आएगा, एफआई का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा जून जून तक आ जाएगा। तो जून में मतलब फ्लेक्सी कैप में लगा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में 70-75% पैसा लार्ज कैप में लगता है। डायरेक्टली लार्ज कैप मत लीजिए, क्योंकि लार्ज कैप का मैक्सिमम लार्ज कैप का अपना अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है अपने, ठीक है। 80-90% लार्ज कैप इंडेक्स को ही बीट नहीं करता, तो डायरेक्टली लार्ज कैप में मत लगाइए, आइदर एक इंडेक्स फंड में लगाइए या फ्लेक्सी कैप में लगाइए, अगर 2 साल बाद आपका जरूरत है ये पैसा तो, ठीक है। नहीं तो आप लार्ज एंड मिड कैप भी लगा सकते हैं, LNM लार्ज एंड मिड कैप, वो भी अच्छा है।
मेरे मामी के पास एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, और भी बहुत सारे कंपनीज का है, आप अपना देख लीजिए कौन से में लगाएंगे। तो पोर्टफोलियो सही है, दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये साइक्लिकल फंड है, 2 साल के लिए नहीं है, और ये भी लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए है, यह फंड यहाँ से मत निकलिएगा अगर रखना चाहते हैं तो। तो गाइस यही तक एंड करते हैं वीडियो, वीडियो का टारगेट है 20+ लाइक्स, कर दीजिए, बहुत ही खुश हो जाऊंगा मैं, और आगे भी पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहूंगा। और आप लोगों का भी अगर रिव्यू करवाना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपना कमेंट, या फिर कोई भी पोर्टफोलियो मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ उनका, और वीडियो भी बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।